तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये श्री जलेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ भोलेनाथ है। पूरा दुनिया का पानी एकदम, और इतना मीठा ये पानी क्या क्या बताए दोस्तों। तो गाइस, यहाँ पर श्री जलेश्वर महादेव मंदिर केंदई है और सामने में इधर जाओगे तो आपको गोल्डन आइलैंड मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग महादेव मंदिर को देखने जा रहे हैं। तो गाइस, मेन रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर अंदर की ओर श्री जलेश्वर महादेव का मंदिर है। इधर आप नीचे जाओगे तो आपको श्री जलेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलेगा और इधर दुर्गा माता जी का मंदिर मिलेगा। ठीक है, तो एक रास्ता यहाँ पास है, एक रास्ता जलेश्वर महादेव जी आने का यहाँ पास है, और आप यहाँ से भी जा सकते हो, सीढ़ी बनाया गया है नीचे, फिर आपको महादेव जी का मंदिर भी दिख जाएगा। इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी चढ़ के माता जी का मंदिर का दर्शन कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये श्री जलेश्वर महादेव मंदिर है जो कि केंदई ग्राम से 4 या 5 किलोमीटर दूर स्थित है, अंबिकापुर रोड में आगे अगर आप जाओगे तो मैं जलेश्वर महादेव मंदिर में एंटर करके आपको दिखा देता हूँ महादेव मंदिर की प्रतिमा कैसी है। हर हर महादेव। तो यहाँ नंदी महाराज जी हैं और यहाँ भोलेनाथ है, और इनके नीचे से पानी आता है जिसे आप पी सकते हैं। आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर बाद तो इसके नीचे से पानी आ रहा है गाइस, जिससे आप देख सकते हो, और यही पानी बाहर में आ रहा है जिसे हम पी सकते हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर के नीचे दिखाता हूँ आपको, तो उसी पानी को पी सकते हो आप। बहुत ही ठंडा और मीठा है। यहाँ पर हम लोग पानी भर चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ पानी पीने। हर हर महादेव। और यहाँ छोटे छोटे मछलियां भी हैं। यहाँ ये पानी बहुत ही अच्छा है गाइस, और मैं भींग गया देख सकते हो। ये जलेश्वर मंदिर केंदई से कुछ दूरी 2 किलोमीटर के आसपास में है। यहाँ से कुछ दूर पे गोल्डन आइलैंड है। ये प्राचीन समय से है, जिसमें जो शिवलिंग अर्पित है ना, जो महादेव का शिवलिंग जो है वो बहुत पुराना है। हाँ। प्राचीन समय से है। पहले ये शिवलिंग यहाँ जो बाबा जी बैठा करते थे, सामने दिख रहा है ना। हाँ हाँ। यहाँ पे कोई बाबा जी थे पहले। हाँ। बहुत पहले उन्होंने शिवलिंग की खोज की थी, बाबा जी ने शिवलिंग की खोज की थी महादेव की। और ये शिवलिंग को बाबा जी ऐसे जगह पे स्थापित किए है जिस जगह से पानी पार हो रहे थे। हाँ, मतलब नीचे ऐसे जगह पे स्थापित किया है जहाँ से पानी नीचे उससे वैसे बह रहा है। हाँ। और जस्ट इसके ऊपर तो शिवलिंग है, उसके नीचे से गंगा निकल रही है। हाँ। दोस्तों, ये पानी इतना मीठा है कि आप आकर जब खुद देख सकते हो। ये मेरे जानते समय से 20 साल हो गया है। हाँ। ऐसे ही चल रहा है, रुका नहीं है अभी तक से। यार, इस पानी को मैं पी चुका हूँ, बहुत ही अच्छा है। इतना फिल्टर है कि पानी क्या बताएंगे। पूरा दुनिया का पानी एकदम, और इतना मीठा ये पानी क्या क्या बताए दोस्तों। तो यहाँ पर मछलियाँ भी हैं। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा लगी। तो मैं जूता और मोजा को निकाल दिया हूँ और हम लोग इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर है श्री जलेश्वर महादेव का, जो कि केंदई वाटरफॉल से 3 या 5 बोल रहा था, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर पर है।
तो गाइस जब मऊहा जो फरता है ना, सीजी वाले जानते होंगे मऊहा किसको बोलते हैं, उसी समय यहाँ आपको भालू देखने को मिल जाएगा। ऐसे बोल रहे थे मेरे साथ जो आए हैं, वे बहुत जानकारी रखते हैं। देख सकते हो पानी कितना प्योर है। यार मैं एक बार और पी लेता हूँ यार, बहुत ही अच्छा लगा था। पानी बॉटल में तो भरे हैं, पर एक बार और पी लेते हैं। मैं तो गाइस देख सकते हो यही है मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ से भी पानी आ रहा है। भाई दुर्गा माता मंदिर, चल भी आ जाता हूँ। ऊपर में थोड़ी हुई था कोई डॉग वगैरह। ऊपर में दुर्गा माता का मंदिर है और नीचे में श्री जलेश्वर महादेव मंदिर है। तो ऊपर में जाके आपको दिखा देते हैं दुर्गा माता मंदिर। तो गाइस हम लोग के दोस्त फोटोशूट से आ गए, केंदई वाटरफॉल के पास फोटोशूट कर रहे थे, और मैं श्री जलेश्वर महादेव मंदिर को देख चुका हूँ, और ऊपर में दुर्गा माता का मंदिर है उसको भी देखने आया हूँ। नीचे से भी जा सकते थे पर मैं बोला ऊपर में बाइक खड़े कर देते हैं। तो यहाँ पर से एक रास्ता नीचे जाएगा तो जलेश्वर महादेव, और ऊपर से अगर आप आओगे तो माता का मंदिर मिल जाएगा, दुर्गा माता का मंदिर। और अभी हम लोग कहाँ पर थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ से नीचे वहाँ पर श्री जलेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे जाओगे तो, और ये रास्ता है ऐसे करके, यहाँ से एक रास्ता बना है और इधर से बना है। नीचे मत जाए यार, डॉग है, बहुत बड़े पहलवान है, डर लगा तेरे से। तो ये है माता का मंदिर, दुर्गा माता मंदिर। जय माता दी। तो देख सकते हो तो यहाँ नवरात्रि समय बहुत भीड़ होगा, अभी तो नहीं है। वहाँ है श्री जलेश्वर महादेव मंदिर, और देख सकते हो यहाँ घर बनाया गया है। तो गाइस जो वो बोर्ड लगा है वो श्री जलेश्वर महादेव मंदिर जाने का रास्ता है। इधर से आप जाओगे तो 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर दूरी पर आपको मिल जाएगा श्री जलेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर हमको इधर जाना है गोल्डन आइलैंड के लिए, ठीक है।